ओ आई एम गोइंग टू टीच यू पार्ट थ्री ऑफ इंडोर गार्डनिंग दो पार्ट इसके दिए हुए नीचे आप लोग जाके देख सकते हैं सम अदर इम्पॉर्टेंट इंडोर प्लांट्स आर डिफिन डे क्या स्पीसी दिस इज प्रोटोकेटेड बाई स्टेम कटिंग एंड दिस इज द आन आइडियल इंडोर प्लांट्स ये एक आदर्श घर के अंदर सजाया जाने वाला पौधा है बियर लार्ज लीव्ज आर आइदर स्पॉटिक ग्रीन या तो इसमें हरी पत्तियां धब्बेदार होती हैं अथवा तो वाइट होती हैं ब्लास्ट धब्बेदार वाइट पत्तियां होती हैं द यंग लीव कवर स्टेम नई पत्तियां पूरी तरह से तने को ढक लेती हैं एंड गिव ए गुड अपीरेंस तथा एक ही बहुत ही सुंदर लुक इसका बन जाता है इंपॉर्टेंट स्पसीजर डिफिन बेकिया एमोना डिफिन बेकिया पिक्टा एंड डिफिन बेकिया सिगोना नेक्स्ट डिस्टिनियसिज प्रोविगेटेड बाई इसका प्रसारण सकर या कटिंग द्वारा किया जाता है इस्माल श्रब यह छोटा झाड़ी नुमा पौधा है प्रोड्यूसिंग कलर्ड लॉन्ग नैरो इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो रंगीन तथा लंबी तथा निकुली होती हैं नैरो होती हैं द लिब्स आर आइदर रेड और येलो इसकी पत्तियां या तो लाल होती हैं या पीली होती हैं या ग्रीन हरे रंग की होती हैं तथा अथवा स्ट्रिप अथवा धारी नुमा होती हैं इन इसकी महत्वपूर्ण प्रजातियां जो है डिस्सिना डरेमेनिस मिनसिस डिस्ना ड्राइको डिस्ना फ्रेग्रेंस आदि हैं नेक्स्ट है फाइकस इलास्टिका दिस इज प्रगेटेड बाई हार्डवुड कटिंग इसका प्रसारण करतन द्वारा किया जाता है अथवा एयर लेयरिंग गूटी द्वारा किया इसका आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं तथा ये इसको सामान्यतः रबर प्लांट के नाम से जाना जाता है वन ऑफ द फाइनेस्ट हाउस प्लांट फॉर डेकोरेशन ये बहुत ही सुंदर पौधा है आ, घर को सजाने के लिए दे डू विल इन बेड्स यह भूमि में तथा गमले में दोनों में बहुत अच्छे तरीके से इसका लगाकर डेकोरेशन किया जाता है ट्रेनिंग टू सिंगल स्टेम द इट इज ए श्रब यद्यपि ये एक झाड़ी है लेकिन अगर इसको एक सिंगल स्टेम में ट्रेंड किया जाए तो बेटर परफॉर्मेंस इसका रहता है बहुत ही अच्छा लुक देता है ये अगर एक सिंगल स्टेम में ट्रेंड किया जाता है इंपॉर्टेंट स्पसीजर फाइकस डेकोरा एंड फाइकस वेरीगेटा नेक्स्ट फाइकस राइडी काइंस प्रोपेगेटेड बाई कटिंग दिस इज ए क्रीपर यह क्रीपर है क्लाइंबर के एक तरीके से क्लाइंबर करके चलता है फैलता है सुटेबल so, फार तो हैंगिंग बास्केट यह है लटकती हुई टोकारियों में लगाने हो तो बहुत ही उपयुक्त पैथा पौधा है एंडकाइन बी ग्रोन इन पार्ट और गमले में भी लगाया जा सकता है विद सपोर्ट कुछ सपोर्ट सहारा देकर करके इसे गमलों में भी लगा सकते हैं फॉर्सडी री राकरीज तथा राकरीज में पत्थरों के ऊपर छायादार में स्थान में पत्थरों में भी लगाने के लिए उपयुक्त पौधा है मैरेंटा स्पथीज दिस इज प्रोटेड बाई राइजोम कटिंग इसका प्रसारण राइजोम की कटिंग द्वारा किया जाता है करते हैं मैरेंटाज आर कल्टिवेटेड फॉर देयर कलर्ड लीव जितनों जो भी मैरेंटाज जेनस के पौधे हैं उनको पत्तियों की सुंदरता के लिए उगाया जाता है गुड एज पार्ट प्लांट तथा एक गमले के रूप में उगाने वाला बहुत खूबसूरत पौधा ने मोनोस्टेरा लिली दिस इज ए क्लाइंबर एंड इसको पेड़ों में जैसे नीम है शीशम है आज पेड़ों में चढ़ाया जा सकता है बहुत ही इसकी जो कटेड लीव्स होती हैं बहुत ही खूबसूरत लगती हैं प्रेर भाई इसका प्रसारण तने की कारतन द्वारा किया जाता है एंड रोबस्ट क्लाइम्बर ये बहुत ही घना सहारे वाला पौधा है लेकर चढ़ने वाला पौधा है रिक्वायर से बोलता था इसको कुछ सहारे की आवश्यकता होती है नेक्स्ट फिलोडंड दिस इज ऑल्सो स्टेम कटिंग लार्ज जेनस इसमें बहुत ही ये काफ़ी व्यापक जेनस है इसमें कंटेन मोर देन डजन नंबर इसमें बारह सदस्य ज़्यादा पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ दे मार क्लाइंबर ज़्यादातर जो इसके सदस्य हैं वो क्लाइंबर हैं चढ़ने वाले हैं अनसुटेबल फॉर सिटी प्लेसेज इसको छायादार स्थान पे लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पत्र है गिफ्ट बिटर इफेक्ट हैं ट्रेंड ऑन स्टिक अगर इसको समूह में क्षण में ट्रेंड करके सहारा देकर लगाया जाता है बहुत ही अच्छा प्रभाव इसका रहता है इंपॉर्टेंट स्पसीजर फिलोड फिलोडंडन स्कैंड फिलो एंड नेक्स्ट है पीलिया मस्कोसा दिस इज आल्सो ऑल्सो प्रोग स्टीम कटिंग प्रोड्यूज ब्यूटिफुल स्मॉल इस फोर्जे इसकी पत्तियाँ बहुत ही खूबसूरत तथा छोटी छोटी होती हैं और हैंगिंग बास्केट लटेक्टिव है टोकरियों में लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है बहुत खूबसूरत पौधा है नेक्स्ट है सेंसवेरिया स्पीसीज दिस इज ऑल्सोटेड बाय सकर एंड कमोनली नोन एज स्नैक प्लांट इसे स्नैक प्लांट कहते हैं स्वर्ल्ड सेप लीव्स ग्रो इरेक्ट इसकी पत्तियां जो है तलवार की तरह रहती हैं जो कि सीधा उगते हैं एन ऑफ डिफरेंट कलर्स तथा कई रंग में होते हैं लीव्स रिमेन इन गुड कंडीशन फारी इसकी पत्तियां काफ़ी वर्षों तक एक रूप में रहती हैं और ये दो प्रकार के होते हैं सेंसुएरिया स्पीसीज विच हैविंग आल लिव्स इन ग्रीन कलर वेर सेकेंड इज सेंसवेरिया मार्जिनीटा इन दिस एलो मार्जिन इज फाउंड इन द लिव्ज इसमें पत्तियों पत्तियों में किनारे में पीले कलर के किनारा रहता है ग्रो वेल इन पुअर सॉयल ये इसको खराब ज़मीन में भी आप बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं यह राखरी पत्थरों में तथा गमले में लगाने के लिए उपयुक्त होता है दिस इज आल्सो नोन एज बाथरूम प्लांट इसे बाथरूम प्लांट भी कहते हैं बिकॉज इट्स प्योरीफाई गैस फ्लोर ऑक्सीजन हुज इज कम फ्राम आफ्टर बाथिंग इन द बाथरूम यह बाथरूम के लिए बहुत ही उपयुक्त पौधा है नेक्स्ट जिब्रिना स्पीसीज प्रोपोगेटेड बाय स्टेम कटिंग जबरीना स्पीसीज को हम तने कार्तन के द्वारा इसका प्रसारण कर सकते हैं सुटेबल फॉर हैंगिंग बास्केट या लटकड़ी हुई टुकड़ियों में लगाने के लिए तथा राखड़ी पत्थरों के ऊपर लगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त पत्थर है और गिरजे मास इफेक्ट ये समूह प्रभाव बहुत ही अच्छा प्रदर्शित करता है क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो हैं वो रंग रंगीन होती हैं तो इसका सामूहिक प्रभाव बहुत ही अच्छा लगता है